हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हैं। इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो कृपा होगी। पार्थ, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्युलोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्युलोक को कर्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। हे केशव, हमारी धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म अथवा मृत्यु नहीं होती? नहीं अर्जुन, उन लोकों में प्राणी का न जन्म होता है और न मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है और न मरती है। तुमने तो ये भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते, परंतु अभी कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब यह है कि आत्मा को केवल पृथ्वी लोक पर ही सुख दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को भी सुख या दुख भोगने पड़ते हैं? नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं, बल्कि माया मेरे अधीन है, और सुख दुख तो माया की रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख या दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के माया जाल में भरमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा इनसे अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? जीव आत्मा। जीव आत्मा? हाँ पार्थ, जीव आत्मा। ये जीव आत्मा क्या है केशव? देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। नहीं अर्जुन, ये व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है। वो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती। हाँ, कोई उस जल की बूंद को एक बर्तन में भरकर ले जाए
तो वह समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। जीवात्मा की यात्रा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियां, उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। हे मधुसूदन, मनुष्य का शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहां जाता है? मानव शरीर के त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी हैं, जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनियां और नीच योनियां। एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है। और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। इसी लोक में? वो कैसे? इसे तुम यूं समझो अर्जुन कि कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी हैं। उसका एक इकलौता जवान बेटा है जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा अचानक किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से बढ़कर थे। जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। वाह प्रभु वाह। हे मधुसूदन, अब ये बताओ कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहां भोगता है? हे अर्जुन, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्थात? अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे फिर पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। परंतु स्वर्ग लोक में मनुष्य के पुण्य
क्यों समाप्त हो जाते हैं? वहां जब वो देव योनि में होता है तो वो अवश्य अच्छे कर्म करता होगा, उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है। या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। वहां प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। बिल्कुल ठीक। परंतु यह अंतर क्यों? इसलिए कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसके पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त लोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात देवों की योनियों में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं। हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं। क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहां से लौटकर आना ना पड़े और जन्म मरण का यह चक्र समाप्त हो जाए? ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहां पहुंचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और यह मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहां तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो वासना मनुष्य के मन में दृढ़ रहती है, उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। प्रभु का कहना है
कि प्राणी ने चाहे कैसा भी जीवन